गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि WWE की वीकली वीडियोस आप मेरा बैकअप चैनल यानी AR Empire में जाकर देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमित राणा यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स और कल होने वाली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के प्रीव्यू के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ, जो कि द फिनोम अंडरटेकर के बारे में। गाइस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अंडरटेकर का WWE में 30 साल पूरे हो चुके हैं और इन 30 सालों में उन्होंने लगभग हर सुपरस्टार को हराया है। WWE में उन्हें आखिरी बार रेसलमेनिया 36 में देखा गया था, जहां उन्होंने फेस किया था द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स को बोनयार्ड मैच में, जो कि एक बहुत ही शानदार मैच था और उस मैच में अंडरटेकर को जीत भी मिली थी। लेकिन गाइस अभी हाल ही में people.com को इंटरव्यू देते हुए अंडरटेकर ने अपने रिटायरमेंट मैच के बारे में बात की और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मेरा करियर WWE में काफी शानदार रहा, मैं जॉन एल्विन और पीटर मैनन जैसी एंडिंग चाहता हूँ। जब मैं ये सब देखता हूँ तो मुझे भी कुछ ऐसा ही मैच चाहिए। गाइस अंडरटेकर अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छे मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं और वो अपने रिटायरमेंट मैच में किसे फेस करेंगे ये भी अब तक किसी को नहीं पता। गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि अंडरटेकर 55 साल के हो चुके हैं और वो WWE में काफी कम नजर आ रहे हैं, तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में अंडरटेकर के रिटायरमेंट को लेकर क्या नई खबरें आती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि सेथ रॉलिंस और बैकी लिंच के बारे में। गाइस इस हफ्ते रॉ के एपिसोड में द मैन बैकी लिंच ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि वो मां बनने वाली है और इस अनाउंसमेंट के साथ साथ उन्होंने अपना WWE रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल भी रिलिंक्विश कर दिया था। मैं आप सभी को बता दूं कि इस साल वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच को आस्का ने जीता था और बैकी लिंच का टाइटल रिलिंक्विश करने के बाद आस्का को WWE रॉ वुमेन्स चैंपियन बनाया गया। गाइस इस एपिसोड में सेथ रॉलिंस का एक अलग ही रूप देखने को मिला। दरअसल सेथ रॉलिंस और मर्फी का टैग टीम मैच हुआ था एलिस्टर ब्लैक और रे मिस्टीरियो से। ये मैच बहुत ही बढ़िया जा रहा था, लेकिन सेथ रॉलिंस ने रे मिस्टीरियो की आंख पर ब्रूचोली अटैक कर दिया। उन्होंने स्टील स्टेयर्स की मदद से रे मिस्टीरियो की आंख पर अटैक करा, जिस वजह से रे मिस्टीरियो की आंख से खून भी निकलने लगा। उस इंसिडेंट के बाद सेथ रॉलिंस ने आज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बैकी लिंच की फोटो शेयर करते हुए फैंस को शुक्रिया कहा और उन्होंने ये भी बताया कि दिसंबर तक उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। तो गाइस अब बात करते हैं कल होने वाली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के प्रीव्यू के बारे में, जिसके लिए WWE ने कुछ नए मैचेस और सेगमेंट्स अनाउंस कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं WWE NXT वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फेयर के बारे में। गाइस कल के एपिसोड में शार्लेट फेयर अपनी वापसी करने वाली है। दरअसल शार्लेट फेयर पिछले कुछ महीनों से WWE NXT में थी, तो अब देखना होगा कि WWE ने शार्लेट फेयर के लिए क्या प्लान बनाए हैं और क्या हमें NXT वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल के लिए कोई नया चैलेंजर मिलेगा या नहीं। और गाइस कल की स्मैकडाउन में WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। मैं आप सभी को बता दूं कि WWE बैकस्टेज शो के दौरान WWE ने यह अनाउंस कर दिया था कि सैमी ज़ेन अपना WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टाइटल डिफेंड नहीं करने वाले, इसी वजह से WWE को यह टूर्नामेंट रखना पड़ा। तो अब देखना होगा कि इस टूर्नामेंट में कौन कौन से सुपरस्टार्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो गाइस WWE ने अगला सेगमेंट भी अनाउंस कर दिया है, जहां मिस टीवी के स्पेशल एडिशन के अंदर मिस्टर मनी इन द बैंक ओटिस आने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि स्पेशल एडिशन में ओटिस क्या नए अनाउंसमेंट करते हैं अपने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, क्या वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने का ट्राई करेंगे या नहीं, ये तो आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में ही पता चलेगा। और गाइस एक और बात, कोरोना वायरस की वजह से रोमन रेंस WWE के रिंग से काफी समय से बाहर है, जिसका इंतजार WWE के फैंस काफी बेसब्री से कर रहे हैं। तो गाइस अब देखना होगा कि रोमन रेंस आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में अपनी वापसी करते हैं या नहीं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।